Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today is a lecture number 20 and the topic name is chapter number 21 and the topic name is mass defect and binding energy. First of all we will discuss what is mass defect and then binding energy. Mass defect ko explain karne ke liye hum with iski diagram se zara explain karenge. Iski diagram mein humne ek atom liya hai. Ye jo hai ye hamare paas ek nucleus hai jo ke atom ka hi part hai. हम इसे यूँ भी कह सकते हैं कि हमने ये जो कंसीडर किया है ये हमारे पास क्या है, एक हीलियम न्यूक्लियाई है या हीलियम न्यूक्लियस मौजूद है. हीलियम न्यूक्लियस जो होता है ये टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है, या हम कहते हैं टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन का सम है जिसका एटॉमिक मास जो होता है वो 4 होता है. तो हीलियम न्यूक्लियाई का जो मास लेंगे वो कम्बाइन होगा टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन का, जिसे हम क्या कहेंगे, इसे हम मास न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं. तो सम करने वाले जो हैं टू प्रोटॉन और टू न्यूट्रॉन ये मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाएगा, और जो ऊपर है एटॉमिक न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास जो सम के बगैर है, एक तो टोटल खुद ब खुद सम वाला है, दूसरा हमारे पास क्या है मास ऑफ न्यूक्लियस है. तो एक हीलियम न्यूक्लियस द सम ऑफ टू प्रोटोन एंड टू न्यूट्रॉन, एंड सेकेंड हमारे पास क्या है, ये ऑलरेडी सम है, दैट इज द एटम न्यूक्लियस मतलब हीलियम. इन दोनों के दरमियान हमारे पास जो होगा कम्बिनेशन, ये दरअसल होंगे क्या कि मास ऑफ जो न्यूक्लियस होता है वो ऑलवेज लेस देन होता है मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स के. इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मास डिफेक्ट कहते हैं. मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, दिस इज कॉल्ड द मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट क्लियर हो गया. मास डिफेक्ट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, द मास ऑफ द न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन द टोटल मास ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, द डिफरेंस इन मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट. इस मास डिफेक्ट को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डेल्टा एन से. तो इसको सिंप्लीफाई करें तो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमेशा लेस देन होता है टोटल मास के, मीन्स टोटल मास ऑफ इट्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो कि मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स कहलाता था. इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एम से. इसकी इक्वेशन यूं ड्राइव की गई है, डेल्टा एम इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस जेड यहां पर कहलाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ए माइनस जी इज द टोटल नंबर ऑफ ऑल न्यूट्रॉन्स, एम पी कहलाता है मास ऑफ वन प्रोटॉन एंड एम एन कहलाता है मास ऑफ वन न्यूट्रॉन. तो ये तमाम कॉम्बिनेशन है जिसकी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को हम कहेंगे मास डिफेक्ट कहेंगे, जिसके जरिए हम कभी भी किसी चीज का भी हम लोग मास डिफेक्ट जो है वो फाइंड कर सकते हैं. तो ये तो था हमारा मास डिफेक्ट. नाउ मास डिफेक्ट के बाद हम एक्सप्लेन करेंगे पैकिंग फ्रिक्शन को, बाइंडिंग फ्रिक्शन, या इसको हम पैकिंग फ्रिक्शन भी कहते हैं. व्हाट इज बाइंडिंग फ्रिक्शन या पैकिंग फ्रिक्शन, ये क्या होता है? तो किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी के बारे में बताना हो, या हम ये कहते हैं कि एलिमेंट जो है वो कितना स्टेबल हो सकता है, हमने वो निकालना हो, तो हम क्या करते हैं बाइंडिंग फ्रिक्शन या फिर पैकिंग फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करते हैं. तो हम पैकिंग फ्रिक्शन यूँ भी कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट की स्टेबिलिटी के बारे में पता करना हो कि वो कितना स्टेबल है, उसको हम क्या कहेंगे, पैकिंग फ्रिक्शन कहेंगे. पैकिंग फ्रिक्शन जो होता है दरअसल ये होता है डेल्टा एम ओवर ए के इक्वल. डेल्टा एम इज द मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स ए, ए इज द एटॉमिक मास नंबर. तो ये किसके इक्वल हुआ, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास नंबर, दिस इज कॉल्ड द पैकिंग फ्रिक्शन. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसे यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियॉन इज कॉल्ड पैकिंग फ्रिक्शन, ठीक है. और इसे ऑब्टेन कैसे करते हैं, मास डिफेक्ट डिवाइडेड बाय इट्स मास नंबर. जब मास डिफेक्ट को यूज कर रहे हैं तो डेल्टा एम इस क्या कहलाता था, मास डिफेक्ट, और इसकी इक्वेशन की वैल्यू होती थी, हमने जो इक्वेशन निकाली थी पीछे अभी मास डिफेक्ट में, वो थी एम न्यूक्लियस माइनस जेड एम पी प्लस माइनस ए जी एम एन. इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और नीचे क्या आ जाएगा, ए ए इज द एटॉमिक मास नंबर. तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास पैकिंग फ्रिक्शन कहलाता है. समटाइम पैकिंग फ्रिक्शन जो होती हैं वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग, और समटाइम हम पैकिंग फ्रिक्शन जो होती हैं वो नेगेटिव लेते हैं, ठीक है, ये चेक करने के लिए कि जो एलिमेंट हमारे पास मौजूद है वो कितना स्टेबल हो सकता है. ज्यादातर जो अगर हमें एलिमेंट की स्टेबिलिटी को देखना है तो हम लोग हमेशा जो है ज्यादातर क्या करते हैं, नेगेटिव पैकिंग फ्रिक्शन को कंसिडर कर लेते हैं. तो इसको हम मजीद एक्सप्लेन करेंगे बाय ग्राफिकली.
तो ग्राफ हमारे पास होगा किसके दरमियान, मास डिफेक्ट पर न्यूक्लॉन एंड चार्ज नंबर के दरमियान। अगर आप इस डायग्राम में ऑब्जर्व करें, नीचे क्या लिया हुआ है, हम लोगों ने एटॉमिक मास नंबर मींस चार्ज नंबर दिया हुआ है, और हमारे पास जो वाई एक्सिस के लॉन्ग है वो क्या लिया है, पैकिंग फ्रिक्शन। जैसे कि अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे पास ज्यादातर हम पैकिंग फ्रिक्शन की वैल्यूज नेगेटिव में लेते हैं, तो पैकिंग फ्रिक्शन हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस पर अलॉन्ग है, तो ये इसकी जो जितनी भी वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव में होंगी। जैसे यहाँ ली हुई है -0.006, फिर -0.004, फिर -0.002, -0.001 एंड -0.002, पहले प्लस में ली हुई है फिर माइनस में ली हुई है, तो हम ज्यादातर जो वैल्यूज लेते हैं वो माइनस में लेते हैं। नीचे जो एटॉमिक मास नंबर है उसकी वैल्यूज ली हुई है 0, 50, 100, 150, 200 एंड 250। यहां पर एलिमेंट्स प्रेजेंट किए गए हैं, एलिमेंट्स कंसीडर किए गए हैं। स्टार्टिंग वाले जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं दैट इज द हाईएस्ट एलिमेंट मींस लाइटर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स जहां पर भी मौजूद है, जैसे लिथियम हो गया, हमारे पास हीलियम मौजूद है, ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं, दैट इज लाइटर एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो कर्व वाले एलिमेंट्स होते हैं ये क्या कहलाते हैं, ये हैवी एलिमेंट्स होते हैं, ठीक हो गया। और इसके बीच में जो कर्व के मिडल वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है क्रिप्टॉन और आयरन, ये हमारे पास क्या होते हैं, इनकी जो पैकिंग फ्रिक्शन होती है वो सबसे ज्यादा नेगेटिव होती है मिडल वाली साइड पर। तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी सबसे ज्यादा कम पैकिंग फ्रिक्शन होगी, जितनी पैकिंग फ्रिक्शन कम होती है हमारा एलिमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो जो मिडल वाली जो हमारे पास मौजूद है जिनकी पैकिंग फ्रिक्शन वेरी नेगेटिव होती है, मींस इनकी पैकिंग फ्रिक्शन यहाँ पर बहुत ज्यादा कम है, नेगेटिव पैकिंग फ्रिक्शन हो रही है तो वो बहुत ज्यादा क्या है, कम मौजूद है। जब कम पैकिंग फ्रिक्शन होगी तो हमारा एलिमेंट उतना ही ज्यादा स्टेबल दिखाएगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो ये जो दोनों होते हैं, ये जो हमारे पास क्रिप्टॉन है और आयरन है, ये दोनों के दोनों कौन से मटेरियल कहलाते हैं, हार्ड मटेरियल। तो यहां पर अगर हम देखें तो इसको हमने ग्राफिकली एक्सप्लेन किया पैकिंग फ्रिक्शन को। नाउ नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी के मुराद देखें, बाइंडिंग का मतलब होता है बाइंड करना, कंबाइन करना। तो यहां पर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हम क्या कहते हैं, ऐसी एनर्जी जिसमें मास डिफेक्ट क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए किसी और एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस में, उसे हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर्ड की जाए न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, किसमें ब्रेक करके करने के लिए, न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब एक हैवी न्यूक्लियस मौजूद है, उसको तोड़ने के लिए, उसको तोड़कर न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट करने के लिए एक एनर्जी दी जाती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द मिसिंग मास, मास डिफेक्ट डेल्टा एम इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियस एंड इज कॉल्ड द बाइंडिंग एनर्जी। या हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन ये वाली भी पेयर लिख सकते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द न्यूक्लियस इंटू इट्स न्यूक्लियॉन्स, फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन में डिवाइड करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हुआ, एक हैवी न्यूक्लियस को तोड़कर जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको तोड़ने के लिए, किसमें वो उसे कन्वर्ट कर दे, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, उसको हम क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। बाइंडिंग एनर्जी का जो फार्मूला हम यूज करते हैं वो होता है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बाइंडिंग एनर्जी को रिप्रेजेंट, और ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा एम सी स्क्वायर के। तो ये था फार्मूला बाइंडिंग एनर्जी का, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्योंकि हम जानते हैं, वी नो दैट ये होता है मास डिफेक्ट, और मास डिफेक्ट की जो वैल्यू होती है, ये जो इक्वेशन होती है वो होती है जेड एम बी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस एम न्यूक्लियस, और यहाँ मल्टीप्लाई पर क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर। तो डेल्टा एम की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी तो कुछ इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस एम न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर। जेड इज द एटॉमिक चार्ज नंबर, एम पी इज द मास ऑफ द प्रोटॉन, प्लस ए इज द एटॉमिक नंबर, जेड इज द चार्ज नंबर, एम एन इज द मास ऑफ द न्यूट्रॉन, माइनस एम न्यूक्लियस मास ऑफ द न्यूक्लियस मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, ठीक है। अब हम किसी भी एलिमेंट की अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करनी हो तो हम इस फॉर्मूले को यूज करके किसी भी एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हीलियम की निकालना चाहें,
तो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन पुट करेंगे और इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करने के बाद जो हीलियम की बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू निकलती है वो होती है 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थैंक यू।